हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर आपका स्वागत है एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में एक बहुत ही आत्मिक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, और इसलिए आशा करता हूँ कि आप इसे उतनी ही आत्मीयता से देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं जियोलॉजी कुल के बड़े पूजनीय सदस्य हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी रिसर्च की हैं और महान काम किए हैं जियोलॉजी में, और ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है उनको सम्मान देने की, उनकी रिस्पेक्ट करने की, और इसलिए आशा करता हूँ कि आप इसको बहुत ही आत्मीयता से देखेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ये मेरी पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जो जियोलॉजी से जुड़े जो लोग हैं उनको एक प्रकार से प्राउड फील करवाएगी अपने आप पे जियोलॉजिस्ट होने पे, और जो नॉन जियोलॉजी के बंदे हैं उनको इस महान विरासत के बारे में पता लगे कि जियोलॉजी में कितनी महान विरासत है, और वो उसको उतना ही सम्मान दे सके। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जियोलॉजी जिस रिस्पेक्ट की हकदार है उतना रिस्पेक्ट जियोलॉजी को अभी भी नहीं मिल रहा है, और इसलिए मैं जियोलॉजी को एक हिडन ट्रेजर मानता हूँ, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है लोगों में अवेयरनेस की थोड़ी कमी है जियोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में, और इसलिए मुझे इस तरीके की वीडियो बनाने की ज़रूरत महसूस हुई जिसमें हम बात करेंगे जियोलॉजी के महान वर्कर्स की, रिसर्च स्कॉलर्स की और टीचर्स की, प्रोफेसर्स की, जो भी जियोलॉजी से जुड़े वर्कर हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से जो है जियोलॉजी में महान अचीवमेंट हासिल की है। तो चलिए देखते हैं उनके लाइफ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और उनकी जो अचीवमेंट रही है जियोलॉजी से रिलेटेड। तो अगर जियोलॉजी फील्ड की बात करें तो सबसे पहला जो नाम हमारे माइंड में आता है वो है डॉक्टर बीरबल साहनी। बीरबल साहनी जी का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1890 और इनकी डेथ हुई थी 10 अप्रैल 1949 में लखनऊ में, और जो इनकी एजुकेशन है वो इंग्लैंड से हुई। और अगर मैं ग्रेट अचीवमेंट्स की बात करूं तो इनके नाम पर बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी जो कि लखनऊ में है वो एक बहुत ही एक्सीलेंट, जिन्होंने काफ़ी महान जो है रिसर्च की है, और वहाँ से जो वर्कर्स निकल रहे हैं, जो साइंटिस्ट निकल रहे हैं, वो समाज की जो है अलग अलग तरीके से अपनी रिसर्च के थ्रू जो है सोसाइटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, और इसलिए इस तरीके का जो योगदान होता है अगर आपके नाम पे किसी इंस्टीट्यूट का नाम है या कोई इंस्टीट्यूट आपके नाम से फाउंडेड है तो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट मैं मानता हूँ, और इसलिए जो है ये हमारे कुल के जो है बड़े सदस्य हैं और बहुत ही सम्मान इनके प्रति हर जियोलॉजिस्ट का होता है। नेक्स्ट जो है डी एन वाडिया जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 25 अक्टूबर 1883 में सूरत में, और जो इनकी डेथ हुई थी 15 जून 1969 में, और इनकी एजुकेशन की अगर हम बात करें तो महाराजा शिवाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा जो कि गुजरात में है वहाँ से इन्होंने एजुकेशन ली। और इनकी अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी हैं, जो फेमस बुक है जियोलॉजी ऑफ इंडिया, मिनरल्स ऑफ इंडिया, जो कि मैक्सिमम जो जियोलॉजिकल क्यूरिकुलम है उनमें हम इनकी बुक्स को फॉलो करते हैं, और इनको एक फेमस अवार्ड लेल मेडल अवार्ड से भी नवाजा गया था, और एक एक्सीलेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी इनके नाम पर जिनका नामकरण है, और वहाँ से जो साइंटिस्ट निकल रहे हैं वो इस फील्ड में बहुत ही महान रिसर्च कर रहे हैं, तो इसलिए हमें इनके ऊपर बहुत ही गर्व होता है डी एन वाडिया जी पे। नेक्स्ट जो पर्सनैलिटी हैं दिस इज प्रोफेसर के एस वालदिया जी, और प्रोफेसर के एस वालदिया जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो पर्सनली बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मुझे मिलता है इनसे, और फॉर्चुनेटली एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हुई थी वहाँ पे इनसे मिलने का मौका मिला, और वो जो क्षण थे वो मेरे लिए एक बहुत ही गौरवित क्षण थे, और उसको सोच करके मैं अभी भी अपने आप पर प्राउड फील करता हूँ, और जिस तरीके की पर्सनैलिटी ये हैं उनसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, और महसूस किया कि इतनी महान पर्सनालिटी, और जिस तरीके से वो स्टूडेंट्स के लिए टाइम निकाल रहे थे, जिस तरीके से जियोलॉजी के स्टूडेंट्स से वो बातें कर रहे थे, इतनी महान हस्ती होते हुए इतनी आत्मीयता से, इतनी सरल भाव से जिस तरीके से उन्होंने बातचीत की स्टूडेंट्स के साथ, टाइम स्पेंड किया, दैट वॉज माइंड ब्लोइंग, और उस तरीके का एक्सपीरियंस जो है वो लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस है, उसको कभी भूला नहीं जा सकता। इनका जो जन्म हुआ था वो 20 मार्च 1937 में क्लाव म्यांमार में हुआ था, और इन्होंने जो है काफ़ी जो रिसर्च की है वो टेक्टोनिक्स पे और इन्वायरमेंटल जियोलॉजी पे, काफ़ी बुक्स भी हैं इनकी जो कि
मैक्सिमम इंडियन कोरिकुलर में फॉलो की जाती हैं और वो जो रेप्यूटेड बुक्स हैं और उसको उसी तरीके से जो है एप्रिसिएशन मिलता है। अगर इनकी अचीवमेंट की बात करें तो पद्म भूषण, जो कि भारत का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म भूषण, उनसे इनको नवाजा जा चुका है और पद्म श्री अवार्ड से इनको नवाजा जा चुका है और रिसेंटली लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इनको दिया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इंडिया ने। तो बहुत ही ज़्यादा आई विल से कि रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी हैं इस फील्ड के, जियोलॉजी फील्ड के, और हम उन्हें बार बार प्रणाम करते हैं। और जिस तरीके से वो अभी भी इतनी इस एज में जिस तरीके से उनकी एक्टिवनेस है, दैट इज़ अगेन ए इंस्पिरेशनल थिंग आई विल से। सो वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम टू बींग हेयर। नेक्स्ट जो पर्सनैलिटी हैं बी पी राधा कृष्णा जी जो हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 30 अप्रैल 1918 में बेंगलुरु में, और जो इनकी डेथ हुई 26 जनवरी 2012 में बेंगलुरु में। और इनको जो इंडियन जियोलॉजी का डायोन भी माना जाता है, काफ़ी सम्मानित सदस्य माना जाता है इंडियन जियोलॉजी का। और जो इनकी अचीवमेंट्स है, इन्होंने बुक्स लिखी हैं जियोलॉजी ऑफ कर्नाटका, मिनरल रिसोर्सेज ऑफ कर्नाटका, और एक इनकी फेमस स्टेटमेंट मुझे मिली कि इन्होंने ये कहा था कि जो ग्लोबल वार्मिंग इशू है उसको ओवर प्ले किया जा रहा है, उसको ओवर इशू बनाया जा रहा है, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। अगर हम जियोलॉजी में देखें, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में देखें, जियोलॉजिकल हिस्ट्री में देखें, तो इस तरीके की जो साइक्लिक प्रोसेस है वो पास्ट में कई बार हो चुका है। तो इसलिए जो इसको ओवर प्लेइंग तरीके से एक प्रकार से देखा जा रहा है, और इस तरीके की बोल्ड स्टेटमेंट देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने जो जियोलॉजी में जो अचीवमेंट हासिल की वो हमेशा यंग जियोलॉजिस्ट को जो है प्रेरित करती रहेंगी। नेक्स्ट जो पर्सनैलिटी हैं वो हैं आर एन बास्टिया जी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1958 उड़ीसा में हुआ, और इनकी जो एजुकेशन है वो हुई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइन धनबाद, जो कि एक बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है जियोलॉजी का। तो इन्होंने रिलेटिवली इतनी कम एज में जो अचीवमेंट हासिल की है, क्योंकि ये करंटली जो है ग्लोबल हेड ऑफ द एक्सप्लोरेशन एट लाइम पेट्रोलियम नॉर्वे में, और इसके साथ इन्होंने जो कृष्णा और गोदावरी बेसिन और महानदी बेसिन, कावेरी बेसिन, मीन्स इंडियन पेट्रोलियम बेसिन में जो इन्होंने रिसर्च की है, वो इनका जो महान कंट्रीब्यूशन है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और ये एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है इस फील्ड की, और इसी कारण से इनको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डीडी प्रसाद राव जी, ये भी एक महान जियोलॉजिस्ट हुए और जिनका जन्म 1939 में हुआ गुंटूर में, 1998 में फेलो ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस रहे। और अगर इनकी अचीवमेंट की बात करूं तो वो फॉर्मर डायरेक्टर भी रहे हैं नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी के। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कितने महान जियोलॉजिस्ट रहे हैं ये भी, और इनको पद्मश्री से अवार्ड से नवाजा जा चुका है, पद्मश्री जो कि फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। नेक्स्ट एस के घोष जी के बारे में अगर मैं बात करूं, एस के घोष जी का जन्म हुआ था 1 मार्च 1932 को कोलकाता में, और जो इनकी डेथ हुई थी 13 अक्टूबर 2008 में कोलकाता में। और ये काफ़ी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता और अदर इंस्टीट्यूट्स जैसे प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, उपसाला यूनिवर्सिटी, तो काफ़ी जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जुड़े रहे। और इनकी अगर अचीवमेंट की बात करूँ तो बेसिकली एक स्ट्रक्चरल जियोलॉजिस्ट थे और जादवपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, और इनको साइंस का जो एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है शांति स्वरूप भाटनगर अवार्ड, उससे नवाजा गया। तो हम देख सकते हैं कि कितने महान जो है जियोलॉजिस्ट ये हुए हैं। नेक्स्ट जो मैं बात करूं, एक बहुत ही मतलब अगेन रिस्पेक्टेड जियोलॉजिस्ट शिवा बालक मिश्रा जी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इनका जन्म हुआ था 1939 में उत्तर प्रदेश में, और ये राइटर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे इनके बारे में जानने को मिला कि इनका जो सन है वो है नीलेश मिश्रा जी एक फेमस बॉलीवुड हस्ती हैं। और पहली बार जब मुझे ध्यान आ रहा है, मैंने इनके बारे में जब सुना था, तो इनका एक प्रोग्राम आता था रेडियो पे, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, तो वहाँ से जो जिस तरीके की इंटरेस्टिंग तरीके से वो कहानियाँ सुनाते थे, तो उसे एक लगाव मुझे हो गया था इनसे। और
उसी चीज को मैंने यहाँ पे महसूस किया जब मैं शिवा बालक मिश्रा जी के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, तो मुझे पता लगा कि ये नीलेश मिश्रा के फादर हैं, तो काफी मतलब अच्छा लगा इस तरीके से। और एसबी मिश्रा जी की अचीवमेंट्स की बात करें तो उन्होंने एक फोसिल की डिस्कवरी की थी जिसका नाम रखा गया फ्रैक्टोफोसस मिश्राई, जो कि अर्थ के ऊपर जो लाइफ की बिगनिंग हुई थी उसको समझने में हेल्पफुल है। तो ये एक महान रिसर्च हम कह सकते हैं, और इन्होंने कई बुक्स लिखी हैं, जैसे हम देख पा रहे हैं ड्रीम चेजिंग, वन मैंस रिमार्केबल ट्रू लाइफ स्टोरी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बीइंग ए जियोलॉजिस्ट इन्होंने काफ़ी डाइवर्सिफाई काम किया, अलग अलग फील्ड में काम किया, जियोलॉजी से बाहर के फील्ड में जाकर के भी काम किया, और इनके ऊपर हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है जिस तरीके के काम इन्होंने किए, जिस तरीके की बुक्स लिखी और जिस तरीके की अचीवमेंट हासिल की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सईद इकबाल हुसैन जी, जिनका जन्म जो है इंडिया में हुआ, और ये एक राइटर हैं, राइटर होने के साथ साथ जो एजुकेशनिस्ट हैं और चेयरमैन भी रहे हैं ग्लेशियल क्लाइमेटिक चेंज कमीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम के। तो इस तरीके से अगेन ही इज़ वेरी फेमस पर्सनैलिटी। और इनकी अचीवमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने भी बुक्स लिखी हैं, और इसके अलावा इनको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो इस तरीके से ये भी एक महान जियोलॉजिस्ट हैं और हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जो जियोलॉजी में लेटेस्ट सेंसेशन आई विल से, डॉक्टर विक्रम चंद ठाकुर जी, जिनका जन्म हुआ हिमाचल प्रदेश में, और इनकी जो एजुकेशन हुई पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, और इसके बाद इन्होंने पीएचडी की इंग्लैंड से, और इनका रिसर्च एरिया जो है जियोटेक्टोनिक्स एंड अर्थक्वेक्स, जो रिसर्च है उसको जिस तरीके से अप्रिसिएशन मिला उसी के बेस पे इनको जो है पद्मश्री 2018 में नवाजा गया, मिस 2018 में पद्मश्री अवार्ड से इनको नवाजा गया। और इसके अलावा ये डायरेक्टर भी रहे हैं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के, जो हमने बात की थी डीएन वाडिया जी के नाम पे, जिनका नाम है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, उनके ये डायरेक्टर रहे हैं 1987 से 2000 तक। तो देख सकते हैं कि हम कि जियोलॉजिस्ट ने कितनी महान जो है सक्सेस हासिल की है अपनी लाइफ में। तो ये हमें एक प्रकार से बीइंग ए जियोलॉजिस्ट, ये हमें एक प्रकार से मोटिवेट करती हैं और हमें अपनी विरासत पे गर्व महसूस करवाती हैं। और मैं यही आशा कर सकता हूँ, यही उम्मीद करता हूँ कि भगवान हमें इतनी ताकत दे कि हम इस महान विरासत को संभाल सकें, और वो इन लोगों के आशीर्वाद से ही पॉसिबल है। और आज हिंदी दिवस है, और हिंदी दिवस पे मुझे हिंदी साहित्य में जिस तरीके से अपने पूर्वजों को सम्मान दिया जाता है, उसी की प्रेरणा से ये वीडियो बनाने का विचार मेरे माइंड में आया। हिंदी साहित्य में चाहे तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, मीरा जी हैं, या अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जितने भी महान पोइट हुए हैं, महान साहित्यकार हुए हैं हिंदी में, उनको काफ़ी मतलब हर फील्ड में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि उनको काफ़ी सम्मान दिया जाता है। तो मुझे लगा कि मुझे भी इस तरीके की वीडियो बनानी चाहिए जो जियोलॉजी के बारे में अवेयर करे और जियोलॉजिस्ट को एक प्राउड महसूस करवाए, और मतलब नॉन जियोलॉजिकल जो लोग हैं उनको जियोलॉजी की महान विरासत के बारे में बताया जा सके। सो मेरा एक छोटा सा प्रयास था, और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इस वीडियो के रिगार्डिंग जो हमने मटेरियल कलेक्ट किया, जो फैक्ट और डाटा जो लिया है फ्रीली अवेलेबल ओपन सोर्स हैं, वहां से कलेक्ट किया गया है, और इसलिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप इसी तरीके की मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं तो आप एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अभी मैं नई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पिछली वीडियो से आपको पता ही होगा कि हम जो है गेट 2019 की जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, तो संडे को उसके रिगार्डिंग जो है नई वीडियो आ रही है, वो देखना ना भूलें। और अगर पर्सनली आप मुझसे कनेक्ट रहना चाहते हैं तो फेसबुक पे जेपी बनवाला के नाम से मेरा प्रोफाइल है, आते हैं वहाँ मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी के नाम से हमारा एक फेसबुक ग्रुप है जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी आपकी जियोलॉजी के रिगार्डिंग, कोई एग्जाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कोई भी अगर क्वेरी है तो आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, बी हैप्पी। जय हिंद।